हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी रसगुल्ला। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं यहाँ रसगुल्ला बनाने के लिए पैकेट वाला दूध लिया है, 3 पैकेट। इस पैकेट में 500 ग्राम करके दूध रहता है। तो इस तरीके से पैकेट का दूध से रसगुल्ला बनाने से भी बहुत ही अच्छे से रसगुल्ला बनता है। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा रसगुल्ला बनाने का तरीका। तो दूध को हम अच्छे से उबाल आने तक अच्छे से पका लेना है। ये देखिए, दूध अच्छे से उबाल आने लगा है। तो अभी मैं दूध को गैस बंद कर दूंगी। एक दूध अच्छे से पक चुका है, तो दूध को मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, इतना ठंडा भी नहीं। तो अभी मैं इसमें विनेगर ऐड कर दूँगी। इससे मैं 3 ढक्कन लिया है और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। तो अभी विनेगर को मैं थोड़ा थोड़ा कर इसमें ऐड कर दूँगी सेना बनाने के लिए। एक ही साथ में नहीं डालना है विनेगर को। ये देखिए, ये दूध और पानी अलग होने लगा है। तो अभी मैं इसको छान लूँगी। इसमें देखिए, ये देखिए, इसमें अच्छे से छान लेना है। तभी देखिए, इस पानी को फेंक दूंगी मैं। तब इसको अच्छा पानी से, ठंडा पानी से मैं धुलाई कर लूँगी। जैसे कि विनेगर का जो खट्टापन वो ना रहा, इसलिए इसको अच्छा से वॉश करना है। तो इसको अभी अच्छा से धुलाई करने के बाद देखिए, इसको थोड़ा सा इस तरीके से चिपकाना है पानी को। तो अभी मैं इसको 15 नहीं तो 20 मिनट तक सर कर रखना है इस तरीके से। 15-20 मिनट के बाद देखिए, अभी फिर से इसको देखना है सेना किस तरह से बना है। ये देखिए, सेना बिल्कुल परफेक्ट बना है, ये बहुत ही अच्छा होगा रसगुल्ला। तो पहले देखिए, हम इसको हाथ से इस तरीके से गुरा कर लूँगी। तो इसमें देखिए, अभी सबसे पहले मैं इसको हाथ से 2 बार अच्छे से मसाल लेना है। मसालने के बाद देखिए, तो अभी इसमें कॉर्नफ्लोर देना है। कॉर्नफ्लोर में इसी चम्मच से 2 चम्मच ऐड कर दूंगी और फिर इसमें सूजी 2 चम्मच ऐड कर दूंगी इसी चम्मच से। अब कॉर्नफ्लोर के जगह आप इसमें मैदा भी यूज कर सकता है। तब इसको मिला लेना है, अच्छे से मिक्स करना है पहले। तभी देखिए, इसको अच्छे से मसाल लेना है। इस तरीके से 5 मिनट तक अच्छे से मसालना है। ये देखिए, छेना तैयार है। तो अभी इसके लिए चाशनी बनाना है। तो देखिए, मैं यहाँ 3 कप पानी लिया है। तो 3 कप पानी में 1.5 कप शुगर ऐड कर दूंगी। तो अभी चाशनी को गरम करना है, तब तक इसके लिए मैं रसगुल्ला बना लेती हूँ। इस तरीके से गुलाई में सेट देती हुई सारे रसगुल्ला को देखिए इस तरीके से तैयार करना है। तो देखिए, चाशनी रेडी होने लगा है। तो
तावे और थोड़ी देर तक इस तरीके से चाशनी को पका लूँगी। ये देखिए चाशनी रेडी होने लगा है, तो अब इसमें सारे रसगुल्ला को एक एक कर ऐड कर दूँगी। तो रसगुल्ला को हम यहाँ 45 से 50 मिनट तक इसको पका लेना है। अब इसको ढक्कन से ढकना है तो ढक सकती है। ये देखिए कितना अच्छा से रसगुल्ला फूलने लगा है, बहुत ही अच्छा रसगुल्ला बना है। चाशनी सूखने लगा है तो अभी रसगुल्ला को चेक करके देखना है। इसको किस तरह से चेक करना है, आप ठंडा पानी लीजिए, ठंडा पानी में एक रसगुल्ला को निकाल कर देखिए। अगर ये पानी में डूब जाने से आपका रसगुल्ला बनकर तैयार है तो अभी देखना है। ये देखिए ये रसगुल्ला बनकर तैयार है। ये देखिए बहुत ही अच्छा से सब रसगुल्ला बना है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसको चिपकर भी देखिए, फिर इसको चीनी सिरप में डालकर देखिए, ये पहले की जैसे ही फूल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।